बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक होनी थी, हार पर जो मंथन होना था वो शुरू हो चुका है। हरियाणा में हार पर मंथन कर रही है कांग्रेस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद बताए जा रहे हैं इस बैठक में। हरियाणा चुनाव के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत, अजय माकन भी मौजूद हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये समीक्षा बैठक हो रही है, काफी अहम बताई जा रही है बैठक। और हार पर मंथन कर रही है कांग्रेस। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस को 37 सीटों पर सिमटना पड़ा और कहीं ना कहीं अब हार पर मंथन हो रहा है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थी पार्टी। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी लिए, तो उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में कैसे झटका लगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, बैठक शुरू हो गई है, अपडेट क्या, कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? तरीके का हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, जिसको लेकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर समीक्षा की बैठक हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता, समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। और इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और हरियाणा चुनाव को लेकर बनाए गए पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन अब फिलहाल मौजूद है। हालांकि उम्मीद की जा रही है जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष जवान भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। समीक्षा ली जाएगी, हर एक पहलुओं पर डिस्कशन किए जाएंगे कि आखिर क्या कारण रहे हैं, किसकी वजह से क्या कुछ चीजें रही है, जिसकी वजह से हरियाणा में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की तरफ से हम बात करते हैं तो एक जीती हुई चुनाव उनके हिसाब से वो हारते हुए नजर आए। तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होते हुए नजर आएंगे। समीक्षा बैठक यहाँ पर हो रही है, डिस्कशन सभी जारी है और जिन्हें ऑब्जर्वर्स बनाया गया था। हालांकि जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, मगर अभी भी उन्हें यहाँ पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया। हालांकि देखिए जिस तरीके का यहाँ पर अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा जिस तरीके की बयानबाजी भी यहाँ पर चल रही है और साफ तौर से जिस तरीके से मुद्दा की हम बात करते हैं तो उन्हें लेकर के कई चीजें कही जा रही थी कि किस तरीके से हारने में और हरवाने में फर्क होता है। और साथ ही के द्वारा एक चीजों की भी नाराजगी जो की जा रही थी, किस तरीके से कुमारी शैलजा अगर आती है, परविंदर पाल पानी कहते हुए नजर आ रहे हैं, अम्बाला कैंट से इसे वो चुनाव लड़े थे वो कहते हुए नजर आए हैं, तो किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके अगेंस्ट एक बाकी को खड़ा कर दिया, जिससे वजह से उनको चुनाव हारने का सामना करना पड़ा। अगर कुमारी शैलजा उनके लिए कैप्टनिंग करते हुए नजर आए, बीच में जब कुमारी शैलजा नहीं दिखती थी मैदान में, अगर आप ही तो तस्वीर के द्वारा भी इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रोगी जी को सुना था किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला होते हुए नजर आए थे। हालांकि देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करते तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि समीक्षा अगर लेनी है तो समय ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिलेगा ही अपराजिता। और दूसरी तरफ अब ये बैठक चल रही है तो आप इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।